हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज तारीख है 11 सितंबर और मॉर्निंग के 10:12 पे मैंने ये 45,400 की कॉल को यहाँ पर बाई किया है। अमूमन मैं बाई करता नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो डाली जिस पर मुझे कल ही 20,000 का लॉस उठाना पड़ा। फिर भी एक मैंने फिर से ट्राई मारा है क्योंकि देखिए मेरा क्या है कि यहाँ पे मैं 2.5 लाख रुपये के कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से मेरा मार्जिन है कि 50,000 रुपया मैं अपना ऑप्शन बाइंग के लिए रखूँगा जबकि 2 लाख रुपया मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए रखूँगा, ठीक है। 50,000 अगर मेरा चला भी जाता है तो भी मुझे इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने अपनी मनी को डिवाइड कर दिया है, तो मेरे माइंड में जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो एक्स्ट्रा प्रेशर भी अब नहीं है। सो मैं जो ट्रेडिंग करता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मनी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है, ठीक है। जब तक आप अपनी मनी को मैनेज नहीं करोगे आप ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 50,000 रुपया मैंने यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के लिए रख लिया। अगर जाता भी तो चला जाए, मैं ऑप्शन सेलिंग भी करूंगा तो मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एसएल लगा देता हूँ कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाए तो मेरा एसएल कम से कम हिट हो जाए, ज़्यादा अमाउंट का मुझे यहाँ पर नुकसान ना हो। सो मैं कह रहा था कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 50,000 रुपये सिर्फ ऑप्शन बाइंग के लिए रखा है, कल मुझे 18,000 से 20,000 का लॉस हुआ है, तो आज भी देखते हैं तो 30,000 मेरे पास बचा है। तो मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि अगर 30,000 भी मेरा चला जाएगा तो कम से कम मेरे मन के अंदर ये मलाल नहीं रहेगा कि मैंने यहाँ पर मनी मैनेजमेंट नहीं किया है क्योंकि मैंने यहाँ 50,000 रुपया ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के लिए रख लिया है। सो अगर 50,000 चला जाएगा तो डीएम एकदम सख्त है कि मैं 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं रखूंगा, ओनली फोकस ऑन ऑप्शन सेलिंग। वैसे भी ऑप्शन सेलिंग में मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो जा रहा है, ऑप्शन बाइंग तो बस मैं कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग मेरी सबसे पहले ऑप्शन बाइंग से ही हुई थी जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट किए हैं। उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर प्रीवियस पड़ा होगा, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने 1 दिन में 1 लाख रुपया जनरेट किया है, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग भी मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ, बट क्या है कि अब ऑप्शन बाइंग ये जो मंथ चल रहा है, इस प्रीवियस मंथ है, ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत मुश्किल समय चल रहा है, ठीक है। आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं पा रहे मार्केट में, एकदम ऊपर से एकदम से नीचे, फिर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, चलिए कोई डायरेक्शन मार्केट पकड़ ही नहीं रही है जल्दी से, जिसकी वजह से ऑप्शन बायर हमेशा यहाँ पे फंस रहे हैं। फिर भी मैंने एक अपना चांस दिया है, फिर भी एक ट्राई किया है, देखते हैं अगर सक्सेसफुल होते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोटा मोटा लॉस लेके मार्केट से निकल जाएंगे क्योंकि मेरा जो टारगेट है 50,000 ही है लॉस करने का, 20,000 में ऑलरेडी लॉस कर चुका हूँ। तो देखते हैं आगे अपडेट में आपको देता हूँ ट्रेड में क्या होता है। सो गाइस, हमारा 45,400 में एसएल हिट हो गया है जिसमें मैंने एसएल 30 रुपये का रखा था, 230 रुपये मैंने परचेस किया था और 30 रुपीज़ मैंने उसका एसएल रखा था, तो हमारा एसएल हिट हो गया जिसमें मैं 3,000 का नुकसान हुआ है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर 45,500 की पुट को बाई किया है, ठीक है, इसमें 209.42 रुपये मैंने 405 क्वांटिटी बाई करी है। अभी फिलहाल 500 रुपये का मैं प्रॉफिट हो रहा है, इसमें भी मैं अपना स्ट्रिक्टली एसएल लगा दूंगा जिससे क्या होगा कि मैं मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट जाए तो ज़्यादा मेरा नुकसान ना हो और कम से कम नुकसान में यहाँ से निकल पाऊँ। देखो ऑप्शन बाइंग मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि मैक्सिमम टाइम मैं कितना सर्वाइव कर पाता हूँ ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग तो मेरा साइड बाई साइड चल ही रहा है, ठीक है, उसकी वीडियो भी मैं लगातार अपने उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है मेरी ऑप्शन सेलिंग की उसकी स्ट्रेटजी के साथ में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जिससे आप लोग देख सकते हैं कि सीख सकते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में किस तरह कर रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग तो बस एक मान के चले कि मैं कर रहा हूँ, एक थोड़ा लालच भी है कि यार 2 रुपये लगा के 20 रुपये मिल सकता है, तो एज ए ग्रीडीनेस के कारण मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, बट ये लॉन्ग समय लंबे समय तक मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसमें मुझे लॉस होना ही होना है, मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम टाइम मैं यहाँ पर लॉस करके जाऊँगा। सो देखता हूँ कि कब तक ये 50,000 रुपये लेके मैं ऑप्शन बाइंग में स्टैंड कर पाता हूँ, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं फिर से 400-500 रुपये का भी 1,000-1,500 रुपये का मैं प्रॉफिट दिखा रहा था, पर लोड के हमारा फिर से वही 500-700 के आसपास हमारा आ गया है, ठीक है। मार्केट दोस्तों प्रेडिक्ट करना आज बहुत मुश्किल काम हो रहा है, कल भी मार्केट प्रेडिक्ट करना फ्राइडे के दिन बहुत मुश्किल काम हो रहा था क्योंकि उसमें भी ऊपर नीचे ऐसी स्पाइक आ रही थी कि आपका एसएल लेके चला जा रहा था। मान लीजिए जैसे मैंने 230 रुपये अपना 230 में मैंने कोई कॉल बाई करी है, ठीक है, 30 पॉइंट मैंने एसएल रखा है, वो क्या करेगा ना, 30 पॉइंट एसएल छूते ही 200 छूते ही फिर से वापस 220-230 पे वापस आ जाता है, ठीक है। तो एक तरह से लगता है जैसे कि वो मेरे अगेंस्ट ही काम कर रहा है, उसको पता है कि मैंने एसएल कहाँ सेट किया है और स्पेशली वो मेरा एसएल खाने के लिए ही नीचे आ रहा है, ठीक है। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी डाउट होता है, बट ठीक है, मार्केट है तो आपके सेंटीमेंट्स के साथ तो मार्केट खेलती ही रहती है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप कब तक अपने सेंटीमेंट को अपने कब तक इनके अपने मेंटलिटी को बरकरार रख पाते हो मार्केट में सस्टेन करने के लिए। सारा लॉजिक सारा फाइट सिर्फ मार्केट में सस्टेन करने का ही है, ठीक है। आप कम से कम अपना एसएल दीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट गेन करने की कोशिश करिए, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है। अभी देखिए फिर से इसमें मुझे लॉस दिखाने लग गया है। सो गाइज, मैंने क्या किया, जो 45,500 की पुट थी मैंने अपने कोस्ट टू कोस्ट पे एग्जिट हो गया, देख रहे हैं आप 165 रुपये ही मुझे इसमें लॉस दिखा रहा है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर रिस्क ले नहीं सकते क्योंकि मार्केट इतनी अप एंड डाउन हो रही है। आप देखिए फिर से मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि मैं यहाँ पर फिर से कॉल साइड में एंट्री ले सकता हूँ, जो मेरे लॉस एटलीस्ट वो कम से कम करके नीचे लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी तो हमारा 3200-3300 के आसपास चल रहा है, तो इसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि अपना स्टॉप लॉस एटलीस्ट सेट कर दूँ कि ज़्यादा अगर स्पाइक मारे तो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी का नुकसान ना हो। अभी टारगेट मैं देखता हूँ अभी क्या होता है, अभी आपको अपडेट देता हूँ।
100 का इस नुकसान बढ़कर हमारा यहाँ पर 5000 के आसपास का हो गया है। तो आज का दिन ही ख़राब है, इस साइड में ले रहे हैं पोजीशन, तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ 165 का। बट अभी कॉल साइड में पोजीशन बार बार बना रहा हूँ, जबकि आप मार्केट देखेंगे तो पूरे दिन आज ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है। मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट बुलिश है। और बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे मिड कैप निफ्टी हो, सभी आज पॉजिटिव में है और ग्रीन कैंडल पर ग्रीन कैंडल बना रही हैं। बट आज अपना लक साथ नहीं दे रहा है, जिस वजह से हमें यहाँ पर लॉस पे लॉस होता जा रहा है। देख सकते हैं 6000 का लॉस हमारा पहुँच गया है। सो इसमें मैंने अपना एसएल लगा दिया है, तो अगर हमारा एसएल हिट होता है तो देख सकते हैं आप 197-198। देखिए हमारा ये एसएल भी आज हिट हो गया, ठीक है। तो लॉस टोटल हमारा 7200 का हो गया है और एक पोजीशन मैं फिर बना लिया। समय देख सकते हैं 2:15 हो गया है, तो एक पोजीशन मैंने फिर से बना ली है। और प्रीवियस पोजीशन भी, अब हमारा जो लॉस था वो 7200 के आसपास था, तो मैंने री एंट्री फिर दोबारा करी 45400 में। सो वापस हम लोग अभी देखते हैं कहाँ तक इसको लॉस को कम कर पाएंगे, और कोशिश मेरी रहेगी कि इस लॉस को कम कर पाएंगे। तो इस ट्रेड की पर्टिकुलर मैं बता दूँ आपको, 45400 ये अभी, चूँकि जब मैंने ये ट्रेड ली थी तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, मैं इस पर और वाइजिंग कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेड आखिरी में जाकर 300 के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। मैंने पर यहाँ होल्ड करने का मेरे को इतनी हिम्मत नहीं हुई इस ट्रेड में, क्योंकि मुझे यहाँ जिस तरह से मुझे मॉर्निंग से लॉस दिखा रहा था, तो मैं इस ट्रेड को आगे तक होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है। जबकि अगर मैं इसको होल्ड कर लेता इस ट्रेड को, तो 3300 से ऊपर इसका आज क्लोजिंग हुआ। आप जाकर देख सकते हैं अपने अकाउंट, डीमैट अकाउंट में 45400 की कॉल कहाँ पर आज मार्केट क्लोज हुई है, ठीक है। तो फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ बाद में इसका, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ये कहाँ पर क्लोज हुई है। और मैं उस टाइम पे जो मार्केट, जब क्या होता है ना, आप कोई ट्रेड बनाते हो तो उस टाइम पे आप इतना आपका हार्ट बीट बढ़ा रहता है ना, इतने कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हो। मार्केट आपका सपोर्ट भी देना चाहती है ना, तो भी आप चाह के भी उसका सपोर्ट नहीं ले पाते हो। तो देखिए 855 क्वांटिटी थी, 915 क्वांटिटी के आसपास अभी हमारा चल रहा है ओवरऑल, जो मैंने इसमें ट्रेड बनाई है 915 क्वांटिटी का, ठीक है। तो देखते हैं अभी कितने तक में हम लोग उसको क्लोज करेंगे। कोशिश है कि कम से कम लॉस में हम अपना यहाँ पर मार्केट इसको क्लोज कर दें। बाकी आपको आखिरी में जब मार्केट क्लोज हो जाएगी तो अपडेट देता हूँ कि मैंने अपनी फाइनल ट्रेड कितने लॉस पे या कुछ प्रॉफिट पे कवर करी हो। तो सो फाइनली गाइज, हमने अपनी ट्रेड को एग्जिट किया है 4100 रुपये के लॉस पे, ठीक है। आज का दिन हमारा 4100 रुपये लॉस पे गया है।